जानने का इंतजार था कि आखिर कैसे होगा स्वागत नई बहू प्रियंका चोपड़ा का जॉनस परिवार के बीच। तो लीजिए, लेकर आए हैं हम आपके बीच ये खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करने वाले हैं स्वागत को लेकर। भाई, किस तरह से प्रियंका चोपड़ा का स्वागत होगा ये तो आपको पता चलेगा जब प्रियंका पहुंचेंगी विदेशी ससुराल में, यानी कि न्यूयॉर्क में, अपने विदेशी ससुराल वालों के बीच। लेकिन उनके ससुराल वालों में एक ऐसी भी उनकी खास पारिवारिक सदस्य है जिन्होंने अब तक प्रियंका चोपड़ा का नहीं किया है शादी के बाद उन्हें स्वागत। भाई, हम बात कर रहे हैं डेनियल जॉनस। नहीं होगा आपको यकीन, लेकिन हम पूरी डिटेल देंगे आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी हाँ, नेक्स्ट नाइन न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का है स्वागत। मैं आपकी होस्ट तृप्ति। आज इस प्रोग्राम में आपको दूंगी पूरी डिटेल। भाई, क्यों डेनियल ने अब तक प्रियंका चोपड़ा को लेकर कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया है, ये सवाल आपके जहन में तो जरूर दौड़ रहा होगा। और इसी वजह से हमने उनकी इंस्टाग्राम को फॉलो भी किया। ट्विटर पर उन्हें लेकर क्या खबर आई है, कौन है डेनियल जॉनस जो कि प्रियंका की रिश्ते में तो बड़ी जेठानी है, केविन जॉनस की वाइफ है, निक जॉनस की बड़ी भाभी है। अब अपने छोटे देवर निक जॉनस के दूसरे छोटे देवर निक जॉनस की शादी पर शरीक होने वाली डेनियल ने वैसे तो लगातार पोज दिया, पारिवारिक रिश्ते को संभाला और हर रीति रिवाज के अनुसार संगीत सेरेमनी से लेकर मेहंदी सेरेमनी, शादी सेरेमनी से लेकर हर रिचुअल्स में साथ दिया। लेकिन आखिर क्यों डेनियल और केविन नहीं नजर आए दिल्ली के रिसेप्शन में, ये भी एक सवाल था। क्या वाकई में प्रियंका चोपड़ा का नहीं किया है डेनियल जॉनस ने अपने ससुराल में स्वागत? भाई, क्या नहीं बनती है डेनियल और प्रियंका के बीच? इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका और डेनियल के बीच कुछ खास रिश्ते अब तक देखने को नहीं मिले, लेकिन जिन्होंने इंगेजमेंट सेरेमनी के बाद प्रियंका और निक को दी थी बधाई, या वो शादी के बाद भाई क्यों है अब तक चुप? हम इसी बारे में हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की तरफ, जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल में। आज हम आपके बीच जो राज खोलने वाले हैं प्रियंका और उनकी बड़ी जेठानी को लेकर, उसे से जुड़ी है ये पूरी की पूरी रिपोर्ट। वेल, आज के एपिसोड में, इस खास प्रोग्राम के एपिसोड में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अपनी देवरानी, छोटी देवरानी प्रियंका को आखिर रिसेप्शन पर छोड़कर, दिल्ली में हुए रिसेप्शन पर साथ में ना रहकर क्यों भाग गई थी उनकी बड़ी जेठानी। और इसके पीछे उसके रीजन सामने आए क्योंकि उन्होंने एक खास काम की वजह से उन्हें छोड़ा था। दरअसल सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक्सप्लेनेशन देती हुई डेनियल जॉनस ने बताया, शी वॉज टू बिजी विथ मूविंग इन टू हर न्यू हाउस, मतलब नए घर में शिफ्ट होने की वजह से वो काफी व्यस्त रही, जिसकी वजह से वो नहीं हो सकी, शामिल नहीं हो सकी प्रियंका और निक के साथ राजधानी दिल्ली में हुए रिसेप्शन के दौरान। हालांकि डेनियल और केविन ने बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका को अपने घर की बहुरानी बनाने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं तो तभी दे दी थी जब रोका सेरेमनी के बाद प्रियंका और निक का खूबसूरत प्यार भरा वो खास अंदाज सामने आया था। उनकी रोका सेरेमनी की तस्वीर के साथ उन दोनों को लेकर कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए डेनियल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर किया था। लेकिन अगर बात करें शादी की, तो शादी के दौरान एक भी पोस्ट शेयर करती नजर नहीं आई डेनियल, जो इंस्टाग्राम पर लगातार ही अपडेटेड रही हैं। वेल, पिछले कुछ समय से डेनियल सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अपडेटेड नजर नहीं आई, तो वहीं ट्विटर पर भी उन्हें नहीं देखा गया। वेल, रीजन जो भी हो, लेकिन बड़ी जेठानी ने देवरानी प्रियंका का अब तक स्वागत तो नहीं किया है अपने घर पर, भाई ये बात तो बिल्कुल सच है, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे, शादी के तुरंत बाद कैसे रिश्ते में आई खटास को लेकर खबरें आ गई। प्रियंका और निक कई बार एक दूसरे से दूर होते नजर आए रेड कार्पेट पर, जब दोनों को साथ पोज देने था तो वहीं पर
जेठानी और देवरानी के बीच भी गहरा रिश्ता शादी के बाद देखने को नहीं मिला है। जहां एक तरफ प्रियंका और अपनी पूरी फैमिली को लेकर निक ने एक के बाद एक पोस्ट शेयर की इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ केविन ने भी वो तस्वीर शेयर की अपनी पूरी फैमिली के, जिसमें उनकी घर की नई बहू प्रियंका ने शादी के बाद कदम रखने की प्लानिंग कर ली निक की पत्नी बनकर। लेकिन दूसरी तरफ बात बड़ी जेठानी डैनियल जॉनस की हो तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शादी के वक्त एक भी पोस्ट शेयर ना कर फैमिली फोटो तो दूर प्रियंका और निक की शादी की भी फोटोज शेयर ना कर ये तो इशारा किया है कि अब तक उन्हें स्वागत करने का, अपनी छोटी देवरानी प्रियंका का स्वागत करने का मौका नहीं मिला है, या यूं कह लीजिए कि वक्त नहीं मिल पा रहा है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे हम कि डैनियल जॉनस और केविन जॉनस, जो कि बॉलीवुड से भले कोई रिश्ता ना रखते हैं लेकिन बॉलीवुड की देसी गर्ल के अब परिवार बन चुके हैं। उन्हें लेकर उम्मीदें यही की जा रही हैं कि देसी गर्ल को अपने परिवार के तौर पर, अपने परिवार का हिस्सा बनाकर, उन्हें घर की देवरानी स्वीकार कर ये दोनों न्यूयॉर्क में उतना ही प्यार देंगे जितना इंडिया में प्रियंका को अपने परिवार वालों से मिलता है। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे हम, लग्जरियस गर्ल ट्रिप टू आम्स्टर्डम टू सेलिब्रेट। जी हाँ, आम्स्टर्डम में जब प्रियंका चोपड़ा की बैचलर पार्टी हो रही थी तो वहाँ डैनियल भले ही उस पार्टी को अटेंड ना कर पाई हो लेकिन प्रियंका चोपड़ा को लेकर उनके दिल में खटास नहीं, रिश्ते में खटास भले ही सवाल बनकर रह गया हो लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे हम कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ अमेरिकन सिंगर की पत्नी बनने के बाद लगातार ही इंडिया के किसी न किसी इवेंट में स्पॉट की जा रही है। ईशा अंबानी की शादी से पहले होने वाले सेरेमनी में उन्हें उदयपुर जाते देखा गया, साथ साथ इससे पहले बम्बल ऐप के लॉन्च के मौके पर राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई में दोनों को साथ साथ स्पॉट किया गया। वहीं आपको बताना चाहेंगे हम, जहां एक तरफ डैनियल ने एक भी पोस्ट शेयर नहीं किया वहीं दूसरी ही तरफ डैनियल से छोटी होने वाली डैनियल की एक और देवरानी यानी कि प्रियंका की होने वाली बड़ी जेठानी सोफी टर्नर, जो कि जॉर्ज जॉनस के साथ प्रियंका चोपड़ा को कंपनी देती नजर आई थी दिल्ली में हुए रिसेप्शन के दौरान, पूरी की पूरी जॉनस फैमिली के बीच उनके साथ प्रियंका की दोस्ती काफी गहरी है। जी हाँ, दोनों ही एक्ट्रेसेस है, प्रोफेशन मिलता है दोनों का और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस बात की गवाह है वो सारी तस्वीरें जो प्रियंका के संगीत सेरेमनी से लेकर मेहंदी सेरेमनी से लेकर शादी सेरेमनी के बाद रिसेप्शन तक देखने को मिला। वेल, वो सभी नज़ारा हमने आपको पेश किया ही है अपने खास चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के कुछ रिपोर्ट्स के जरिए, जिसमें सोफी और प्रियंका के बीच गहरी बॉन्डिंग सामने आती रही। वहीं सोफी टर्नर, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स की एक्ट्रेस है, उनके फैन फॉलोइंग लगातार इंडिया में बढ़ोतरी के साथ ही देखने को मिले। ऐसे में सोफी इंडियन फैंस को भी, अपने इंडिया के फैंस को भी पूरा का पूरा तवज्जो देते नजर आई थी और उदयपुर से लेकर राजस्थान के हर शहर में सोफी की तारीफ हो रही थी। जो जोधपुर में प्रियंका निक की शादी के वक्त उनके साथ वक्त गुजारने के अलावा फैंस के साथ तस्वीरें भी शेयर कराती नजर आई थी। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो स्वागत को लेकर, प्रियंका चोपड़ा के अपने ससुराल में स्वागत को लेकर कैसी जानकारियां आई हैं सामने। बड़े जेठ ने तो किया है स्वागत लेकिन जेठानी ने अब तक नहीं कहा है कुछ भी। वो जेठानी जो ना तो नजर आई प्रियंका चोपड़ा के शादी के बाद दिल्ली में हुए रिसेप्शन में और ना ही इंस्टाग्राम पर उन्होंने प्यारे प्यारे पोस्ट शेयर किए हैं, जिसका इंतजार सभी को रहा। लेकिन क्या वजह हो सकती है ये तो हमने आपको बताया। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है यहीं पर इस शो का अध्ययन करने के लिए, लेकिन इस शो का अध्ययन करने से पहले हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। तो इसके लिए आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं क्या लगता है आपको प्रियंका चोपड़ा की बड़ी जेठानी डैनियल के बारे में। हमने आपको बताया डैनियल और केविन के दिल पर प्रियंका चोपड़ा करती हैं रास, या फिर प्रियंका चोपड़ा अपनी और जेठानी, बड़ी जेठानी डैनियल के बीच जो रिश्ते में दूरियां है उस दूरियां को कर लेगी खत्म।
क्या आपको भरोसा है अपनी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पर? भाई आप उन्हें बधाइयां, उन्हें गुड लक, उन्हें विशेस, नई जिंदगी की शुरुआत के साथ, उनके इन लॉ फैमिली के साथ रिश्ते को और करीब आते देखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूर दें उन्हें दुआएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं उनके बारे में कुछ अच्छी खासी बातें, उनके लिए कुछ अच्छी खासी बातें जरूर शेयर करें और निक और प्रियंका की जोड़ी को लेकर अपनी राय आप जरूर पेश करें। उनकी शादी सेरेमनी को लेकर शेयर की गई वेडिंग एल्बम के बारे में आपका क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं आप, हमें जरूर बताएं। लौटेंगे फिर अगले एपिसोड के साथ, बाकी की खबर देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।